10 जून 2024 को डीजीटी भारत सरकार द्वारा एसआईडी पोर्टल पर टेस्टिंग के लिए जो है एक लेटर जारी किया गया है। वो लेटर सभी लोगों के लिए है, फिर चाहे आप एनएसटीआई से हो, चाहे आप जो है निम्मी से हो, डीजीटी से हो, नोडल आईटीआई से हो, स्टेट से हो, गवर्नमेंट आईटीआई से हो, आप किसी भी आईटीआई से हो, वो लेटर आप सभी के लिए है। आप सभी लोगों को करना क्या है, आप सभी लोगों को एक यूएटी सर्वर की टेस्टिंग करनी है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये यूएटी सर्वर क्या है। देखिए, जो भी चीज एसआईडी पोर्टल पे जो भी नई फंक्शनैलिटी डिप्लॉय होने वाली होती है उसको पहले कहीं ना कहीं जो है क्लाइंट लेवल पे टेस्ट किया जाता है। अब क्लाइंट कौन हुआ? क्लाइंट हुए आप लोग, यानी कि जिनको वो इंटरफेस यूज करना है। तो उसी चीज की टेस्टिंग के लिए आप लोगों को लिंक दिया गया है। अब ये जो लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, इस लिंक को जब आप ब्राउजर में जाके यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, एक एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का। अब बहुत सारे लोग चतुर बनेंगे यहाँ पे कि एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं, अभी मत करिए, ठीक है, उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी और नई आने वाली है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में देखिए आपको दिख रहा होगा लॉगिन एज अ एडमिन और लॉगिन एज अ ट्रेनी। अब यहाँ पे आईटीआई का तो कहीं नाम है नहीं, इंस्टीट्यूट का कोई नेम नहीं है, तो आपको एज अ एडमिन पे क्लिक करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट से हैं, चाहे आप नोडल आईटीआई से हैं, चाहे आप स्टेट से हैं, चाहे आप एनएसटीआई से हैं, चाहे आप डीजीटी से हैं, चाहे आप निम्मी से, कहीं से भी हैं, आपको एडमिन पे क्लिक करना है। और अगर आप ट्रेनी हैं तो आपको ट्रेनी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन एज अ एडमिन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जिस तरह से NCVT MIS पोर्टल पर भारत सरकार ने प्रत्येक इंस्टीट्यूट को दो लॉगिन दिए थे, एक क्रिएटर का एक अप्रूवल का, वैसे ही SID पोर्टल पे भी दो लॉगिन मिलने की संभावना है, एक क्रिएटर का और एक अप्रूवल का। आपको उन दोनों ही नंबर से अपने आप को यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप स्टेट हैं तो आपके पास भी एक क्रिएटर होगा और एक अप्रूवल होगा, आपको भी जो है दोनों ही नंबर से यहाँ पे लॉगिन करके चेक करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है और चेक क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। पहले आप अपने क्रिएटर अकाउंट का मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर दीजिए तो आपको सीधे OTP वाली स्क्रीन पे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे पैनिक मत करिए, बहुत सारे लोग पैनिक करेंगे, सर OTP नहीं आया, OTP नहीं आया, तो OTP आपके पास नहीं जाएगा। OTP जो है आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि ये ड्राई रन पोर्टल है, यहाँ पे केवल टेस्टिंग के लिए बनाया गया है तो ये लाइव नहीं है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट OTP है 123456। आपको यहाँ OTP डालना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है वहां पे जाके आपको देख लेना है कि आपका यहाँ पे डिटेल सही दिख रही है या नहीं दिख रही है। और इसमें और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, उसके लिए हमने नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल कराने जा रहे हैं जो की हमारे आने वाली है, उसको आप जरूर देखिएगा। किस तरह से यहाँ पे फिल करनी है, किस तरह से FA के मार्क्स फिल करने हैं और बाकी सारे टैब्स के अंदर क्या क्या है, वो सारी चीज हमने वहाँ पे बताई भी है। अब यहाँ पे इसी तरह से आपको अपने अप्रूवल का लॉगिन करना है और लॉगिन करके चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई और नाम दिख रहा है या कोई और चीज दिख रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, DGT को एक बार इन्फॉर्म कर देना है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो ना तो अपने क्रिएटर के नंबर से लॉगिन कर पा रहे हैं, ना ही अपने अप्रूवल के नंबर से लॉगिन कर पा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने क्रिएटर के नंबर से तो लॉगिन कर लिया है मगर अप्रूवर के नंबर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अप्रूवर के नंबर से लॉगिन तो कर पा रहे हैं लेकिन क्रिएटर के नंबर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी संस्थान हैं उन सभी को भी DGT को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के लिए क्या करना है, आपको NCVT हेल्प डेस्क यूज करनी है। NCVT हेल्प डेस्क के माध्यम से आपको टिकट रेस करना है और जो है DGT के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये प्रॉब्लम जो है इसमें थी जो UAT टेस्टिंग आपने करी है। और ये एक चीज का ध्यान रखिए, ये UAT टेस्टिंग जो है सभी इंस्टीट्यूट को करनी है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज के हो, जितने भी ITIs हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ITI हो, चाहे वो प्राइवेट ITI हो, चाहे वो PPP योजना के अंदर ITI हो, या फिर किसी भी योजना के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट है जो CTS कोर्स करा रहा है, वो सभी इंस्टीट्यूट जो है अपना ये लॉगिन करके टेस्ट करें और अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो DGT को जो है NCVT हेल्प डेस्क के माध्यम से इन्फॉर्म करें। और साथ ही जो है कुछ ट्रेनीज को भी आप लॉगिन करवा के चेक करवाइए, क्या उनको जो है वहां पे सही डिटेल दिख रही है नहीं दिख रही है। ट्रेनिंग का लॉगिन करने के लिए भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे ट्रेनिंग का PR नंबर मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। अब जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग का PR नंबर डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ट्रेनिंग की प्रोफाइल खुल जाएगी। अब ट्रेनिंग के प्रोफाइल में आपको केवल दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे जिससे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और राइट हैंड साइड पे आपको ट्रेनिंग की सारी डिटेल दिख जाएगी, तो आपको यही चेक करना है।
अगर ट्रेनिंग की डिटेल गलत आ रही है तो जो है आप डीजीटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं एनसीपीटी हेल्प डेस्क के माध्यम से। अब ये जो टेस्टिंग थी केवल इतनी ही टेस्टिंग नहीं थी, ये इस यूजर मैनुअल के हिसाब से ये टेस्टिंग यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन एक्चुअल टेस्टिंग क्या है उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और हमारी वीडियोज उनकी सहायता कर सकती है तो उन तक हमारी वीडियोज को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोग के लिए और भी ज्यादा यूजफुल होगी।